सिलेबस तो चल रहा है लेकिन चलो ओके फाइनल लेट्स स्टार्ट सो अनदर इनिंग्स आफ्टर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स है ना. और अभी तो शायद ये डिसीजन हो रहा है कि कुछ दिन तुम लोग का शायद कंपलसरी ऑफलाइन क्लास भी होंगे. जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं इस दैट सपोज ये एक लेंस है इसका फोकल लेंथ सपोज 20 सेंटीमीटर और मान लो 25 सेंटीमीटर पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा ठीक है पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है मैंने लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर और मैं पूछ रहा हूं कि बताओ एक कन्वेक्स मिरर जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर ठीक है एक कन्वेक्स मिरर जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर कितना दूर रखा है तो फाइंड डी सच दैट ऑब्जेक्ट फॉल्स सॉरी इमेज फाइनल इमेज फॉल्स ऑन या कोइंसाइड्स विद ऑब्जेक्ट यानी फाइनली इमेज को ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो यहां पे है उसके साथ कोइंसाइड कराना इन दैट केस ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉनकेव मिरर सॉरी कन्वेक्स मिरर और लेंस कितना रखना पड़ेगा. चलो गो अहेड करो जल्दी करो. अच्छा इंटरेस्टिंगली जे एडवांस में एक चीज ना बहुत कॉमनली क्वेश्चन आया हुआ है एंड दैट इज इमेज कोइंसाइडिंग विद ऑब्जेक्ट. पता नहीं क्या चक्कर है पर इस थीम पे कई साल क्वेश्चन आया मतलब ना भी हो तो कम से कम 4-5 साल तो आई है मतलब अलग अलग स्प्रेड ओवर हमें लास्ट के अगर 30-40 साल में देखोगे तो अलग अलग साल में जो है ना स्प्रेड ओवर क्वेश्चन आए हुए वे आर द क्वेश्चन आस्किंग कि इमेज कोइंसाइडिंग विद अदर ऑब्जेक्ट ये बहुत कॉमन थीम माना जाता है इसलिए देखा होगा कि हर जगह हम लोग इस टाइप के एक क्वेश्चन जरूर करते हैं है ना. चलो ठीक है गो अहेड करो जल्दी करो गो अहेड फास्ट. ये कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है इसमें दो टाइप का थीम बनता है. अच्छा एक आंसर आगे अंश ने दिया 80. अच्छा इसमें दो टाइप का थीम बनता है एक कॉनकेव मिरर को लेके बनता है एक कन्वेक्स मिरर को लेके बनता है ठीक है ना. अभी फिलहाल जो है ना हम लोग कन्वेक्स मिरर वाला कर रहे तो बेसिकली ये जो इमेज कोइंसाइडिंग विद ऑब्जेक्ट है ना इस केस में वो दो तरीके से हो सकता है ठीक है. एक होता है रिट्रेसिंग ऑफ रेस. अब रिट्रेसिंग ऑफ रेस कैसे होगा ये ऐसे हो गया यूं हुआ ऐसे ये ऐसे हुआ यूं हुआ ऐसे और कुछ इस तरीके यानी इमेज कुछ ऐसे बनना चाहिए सो दैट उस कन्केव सॉरी उस कन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनना चाहिए. तो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना 10 है फोकल लेंथ यानी ये कितना हो गया 20 यानी इसके ऑब्जेक्ट इसका 25 है इसका फोकल लेंथ 20 है तो क्या हो जाएगा. अरियंतर आज की कंडीशन फॉर टू और थ्री इमेजेस इन स्प्लिट लेंस हाँ वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे आई थिंक लास्ट क्लास में चलो वो भी कर लेंगे आज करते हैं थोड़ा देर ओके देवडी भी आंसर दीजिए. एक्चुअली देखो इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझ लो क्यों क्योंकि ये ना मोर देन वन आंसर टाइप के क्वेश्चन में आ सकते हैं और इसके अंदर दो आंसर्स पॉसिबल है ठीक है ना. इसके अंदर दो आंसर्स पॉसिबल है वो दोनों समझ लो. एक तो ये हो गया कि ये ऐसे करके ऐसे यानी रिट्रेसिंग यानी एक एक इंडिविजुअल रे जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस आएंगे सो दैट इज द आइडिया ऑफ रिट्रेसिंग. ये एक पॉसिबिलिटी है और दूसरा क्या है चलो पहले इसको निपटाते हैं. तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा 1 / v - 1 / u ठीक है इज इक्वल टू 1 / n व्हिच इज 20 यानी 1 / v इज इक्वल टू 1 / 20 - 1 / 25 ये 100 हो गया ये 5 हो गया - 4 ये 100 यानी इससे v आ गया कितना 100. अब ये तो 20 है यानी उसको कहां पे रखना पड़ेगा 80 सेंटीमीटर दूर यानी d इज इक्वल टू 80 इससे पता चल रहा है दैट d इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर ठीक है. एक ये पॉसिबिलिटी बनता है
और दूसरा क्या 100 सेंटीमीटर, खुद एक आंसर। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं इसको यहां ना रखकर मैं यहां पे रखता हूं तो भी चल जाए, क्यों? फिर पता क्या होगा, सारे रेज जो ऊपर वाले रेज है ना वो नीचे से वापस आएंगे और जो नीचे वाले रेज है वो ऊपर से वापस आएंगे। क्यों? एकदम पॉइंट पे फोकस कर। यानी दूसरा आंसर क्या हो गया, डी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये आया था रिट्रेसिंग वाले से, रिट्रेसिंग, हाँ, रिट्रेसिंग वाले से तो ये वाला। और अगर तुम इंटरचेंजिंग करा दो रेस को तो एक और पॉसिबिलिटी बनता है और वो है 100 सेंटीमीटर। तो उसमें क्या होगा, मैं ये रे ऐसे जाएंगे इधर से वापस आएंगे और ये जो रे है इधर से जाएंगे और इधर से वापस आएंगे। हमारा मेन पर्पस है कोइंसिडेंस कराना, तो वो कैसे भी हो जाए तो अगर उस पॉइंट पे फोकस करोगे इस पॉइंट पे, इन दैट केस ये भी पॉसिबिलिटी बनता है। यानी ये हो गया इंटरचेंजिंग ऑफ रेस। इंटरचेंजिंग ऑफ रेज अगर अलग कर दो 100 सेंटीमीटर और रिट्रेसिंग वाले के लिए क्या हो गया 90 सेंटीमीटर। देयर इज नो ऑप्शन पॉसिबल। और यही चीज में हो जाएगा अगर कॉनकेव मिरर यूज करोगे तो भी। जैसे सपोज आपने यही क्वेश्चन दे रहा इस बार ऐसे और इसका फोकल लेंथ लेटर से है 20 सेंटीमीटर और यहां पे कॉनकेव मिरर, उस कॉनकेव मिरर को कहां रखना, ये कॉनकेव मिरर है और इसका फोकल लेंथ है 10 चलो ठीक है, जल्दी करो। अब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ये कॉनकेव मिरर है, अब क्या करोगे, कितना दूरी पे रखोगे सो दैट कोइंसिडेंस हो जाए। चलो ट्राई करो। Okay, answer given an answer that is 80/9. नहीं सोम 20 नहीं आया था पिछले बार। अच्छा 20 हो, अच्छा चलो ठीक है। देखो 20 इसलिए आया था कि इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा 20 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू क्या होगा 20 सेंटीमीटर। तो यानी हम क्या चाहते हैं कि जो रेज है ना लेंथ से वो ऐसे आए कि यहां पे कोइंसाइड करे, यहां पे। उससे क्या होगा ना वो मिरर के, उससे क्या होगा ना वो मिरर के एकदम परपेंडिकुलर रख के हिट करे, तो मिरर के परपेंडिकुलर हिट किया उसी रास्ते से वापस आ गया, तो बस यही हम चाहते हैं। तो वही हो रहा है, इधर परपेंडिकुलर हिट कर, यहां भी परपेंडिकुलर हिट कर, तो वापस आ गया। तो ये पिछले बार हुआ था, ठीक है। अंश इस बार, अंश तुमने एक आंसर दे दिया इस क्वेश्चन के अंदर 80/9, तो इस बार ये बताओ कि एक क्वेश्चन एक आंसर आएगा या दूसरा आएगा, सोचो। मतलब दो आंसर आएंगे एक आंसर आएंगे, ओके इस बार एक ही आंसर आ रहा है। चलो ठीक, इस बार एक ही आंसर आ रहा है, ठीक एग्री। तो एक काम करते हैं, इसका इमेज देख लेते कहां पे, तो इसका इमेज कहां पे होगा, 1/b - 1/u = 1/f, यानी 1/b = - अगर कॉमन लेता हूं 1/20 - 1/25, प्लस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा is equal to 100
over 5 plus 4 having minus 9 by 100 is the VR minus of 100 by 9. तो v आ गया माइनस 100 बाय 10 11 के आसपास तो ये आ गया यहां पर यानी इसका ऐसे आ गया u करके ऐसे ये मिला और ये जाकर मिरर पे परपेंडिकुलर होना चाहिए मिरर पे परपेंडिकुलर होना चाहिए दिस व्हाट आई वांट यानी बेसिकली ये जो पॉइंट है ना ये इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए तो मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर यानी यहां से लेके यहां तक 20 होना चाहिए दैट मींस दिस डिस्टेंस मस्ट बी 20 सेंटीमीटर पर ये डिस्टेंस आ चुका है माइनस 100 बाय 9 यानी ये डिस्टेंस आ चुका है दिस इज 100 बाय 9 यानी 20 में से 100 बाय 9 माइनस करो तो यानी डी कितना होगा डी इज इक्वल टू 20 माइनस 100 बाय 9 एंड दैट इज इक्वल टू 80 बाय 10 सेंटीमीटर ठीक है अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर तो 80 बाय 9 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर इसी का सीक्वेंस का एक लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर अरियंत ने भी दे दिया है 89 ठीक है करेक्ट आंसर है नो प्रॉब्लम इस सीक्वेंस का एक लास्ट क्वेश्चन है एंड दैट इज फिर से मान लो कन्वेक्स लेंस है और मान लो लेंस कन्वेक्स है लेकिन मिरर कनकेव है तो क्या करें तो ये मान लो लेंस है ठीक है लेंस है ये मान लो कोई लेवल 25 ले लेता और ये 20 है और यहाँ पे मिरर करके अब फोकल लेंथ वही ले 10 सेंटीमीटर ठीक है तो डिस्टेंस डी बताओ सेम क्वेश्चन फाइंड आउट द डिस्टेंस डी सच दैट देयर इज अ कोइंसिडेंस हैपनिंग एट ऑल अब जल्दी करो चलो जल्दी करो वेल दो आंसर आ चुके हैं इसका भी इसका इट सीम्स कि 100 और 120 सेंटीमीटर ठीक है वेरी गुड यानी क्या हो गया अभी हमने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था इसका जो बी आया था वो आया था 100 सेंटीमीटर थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना 25 और 20 लेके उसका जो वी आया था इमेज डिस्टेंस आया था वो आया था 100 सेंटीमीटर अब हम दो तरीके से कर सकते हैं या तो 100 सेंटीमीटर को यहां रख लें ये 100 सेंटीमीटर यानी अब हम इमेज को ऐसे एक जगह बना रहे हैं ये वाला पॉइंट जो कि इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये 20 है फिर डी कितना होगा तो जब वो डी इक्वल टू 100 प्लस 20 यानी 120 सेंटीमीटर एक पॉसिबिलिटी है कि किसी तरीके से उस कनके मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज को बनाओ या तो उस मिरर के पोल पे इमेज को बनाओ तो अगर पोल पे बनाओगे तो दैट इज यानी 120 और यू कैन से 100 सेंटीमीटर तो दीस आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज इन व्हिच वी हैव टू वर्क आउट ठीक है डी का वैल्यू 120 और 100 अगर रखेंगे इन दैट केस क्या होगा इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड करेंगे एंड एज आई सेड इट्स अ वेरी पॉपुलर थीम है तो उस पे और डिस्कशन करेंगे अच्छा उस दिन मैंने स्प्लिट लेंस के बारे में बात किया था तो मैं स्प्लिट लेंस पर डिस्कशन शुरू किए थे तो उसको कंटिन्यू करते हैं तो सपोज मेरे पास एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ है मान लो 30 सेंटीमीटर और ये भी 30 सेंटीमीटर ठीक है और या चलो ये कम करो 30 नहीं 20 कोई फोकल लेंथ नहीं बदलता बट नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस एटलीस्ट
You know, Anshad said, can we comment on the inversion of both the images in case of an extended object? Krish has also asked, aise kyun? ये देखो एक्चुअली ना देखो ये जो लेंस है ना इसके कर्वेचर पे हमने कोई असर नहीं किया इसके कर्वेचर पे हमने कोई असर नहीं किया तो बेसिकली अगर लेंस के सेक्शन वाला डायग्राम बनाओगे ना क्रिश तो हम लोग ऐसे एक्चुअली ऐसे फायरिंग्स तो ऐसे लेंस को अगर तुम टुकड़े कर दो ना ऐसे करके तो सारे टुकड़ों के सेम फोकल लेंथ तो ये एक्चुअली जो इमेज बनता है ना वो किसी एक पोर्शन से नहीं बनता है वो इमेज ऐसे बनता है यू ये वाला पोर्शन फिर ये वाला पोर्शन से भी इमेज बनता है ये वाला पोर्शन से भी इमेज बनता है ये वाला पोर्शन से भी इमेज बनता है तो इस हर सेक्शन का अगर देखा जाए तो फोकल लेंथ एक्चुअली एक ही है समझ रहे हो ये चीज है तो देखो एक ही जगह फोकस होता है तो देयरफॉर आर्यन सेड इज दैट क्लैरिटी डिक्रीज कर गया अच्छा वो इमेज क्वालिटी ऐसे तो होना नहीं चाहिए अच्छा ओके अच्छा इमेज है हाँ इमेज का क्लैरिटी मत बोलो इमेज का इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा क्लैरिटी डिक्रीज नहीं करेगा क्लैरिटी मतलब होता है उसका शार्पनेस तो शार्पनेस डिक्रीज नहीं करेगा उसका इंटेंसिटी उसका ब्राइटनेस डिक्रीज करेगा क्यों क्योंकि पोर्शन ऑफ द लेंस को कट कर दो तो वहां से जो लाइट आ रहे थे वो आ नहीं पाएंगे तो नेचुरली क्या होगा ना उस पोर्शन के लाइट के वजह से जो ब्राइटनेस क्रिएट हो रहा था वो बन नहीं पाएगा तो यानी इमेज विल बी लेस ब्राइट That is the change that will happen. ये जो image आएगा यहाँ पे I that will be less bright. अगर ऐसे lens को ऐसे अगर lens को cut करेंगे तो पर हाँ अगर lens को ऐसे cut करोगे यू in that case focal length change होगा. अच्छा अगर ये equi biconvex है मतलब इधर का radius और इधर का radius का same होगा और अगर overall focal length f होता है in that case इस तरफ वाले का हो जाएगा 2f और इस तरफ वाले का 2f क्यों क्योंकि अगर लेंस में एक फॉर्मूला है कि अगर लेंस को चिपका के रखोगे तो दैट इज क्या होता है 1/f2 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 ये क्या होता है अगर मान लो लेंस को ऐसे रखोगे ऐसे चिपका के रखोगे तो इस पूरे सेटअप का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो अगर 1/f इक्विवेलेंट होगा तो वो का 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 where f1 f2 and f3 आर द फोकल लेंथ ऑफ ईच ऑफ द थ्री लेंस जिनको कि मैं इकट्ठे रख के कंबाइंड लेंस का वो बना सिस्टम बना ठीक है चलो ठीक है हाँ तो आंसर इज आस्किंग कि अगर हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखेंगे इन दैट केस क्या होगा है ना तो उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं या एक काम करते हैं पहले स्प्लिट लेंस का डिस्कस कर लेते हैं क्रिश तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया क्रिश तो स्प्लिट लेंस वाले में सपोज मैं कहता हूं ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर सपोज ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर नहीं 30 नहीं सॉरी 15 और यहां पे कोई एक पर्टिकुलर जगह का ऑब्जेक्ट रखता हूं हाउ मेनी मीटर्स कितने इमेजेस बन सकता है इसमें एक रियल ऑब्जेक्ट है ऐसे केस में कितने बनेंगे ठीक है क्रिश के दो बनेंगे क्या तीन बनने का चांस है देखो दो या तो तीन यही पॉसिबिलिटी क्योंकि एक ये वाला लेंस इमेज बनेगा एक ये वाला लेंस इमेज बनेगा और एक तीसरा वाला कोई पॉसिबिलिटी के अंदर वाला एक इमेज यहां बनता है तो उसका एक फर्दर इमेज ये भी बनेगा तो इस तरीके से मैक्सिमम तीन इमेज बन सकता है ओके इस केस में तीन इमेज नहीं बन पाएगा इसमें दो इमेज बन पाएगा इस व्हाट क्रिश से बट उसका एक्सप्लेनेशन क्या है इसका एक्सप्लेनेशन क्या है एनीबॉडी एक्सप्लेनेशन ओके देखो इसका एक्सप्लेनेशन समझो एक्सप्लेनेशन ये है कि द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस जहां पे इमेज बन सकता है वो क्या फोकस तो फोकस तो 20 सेंटीमीटर है और इनके बीच का गैप 15 है यानी
जो इमेज बनेगा इसके वजह से वो इसके बियॉन्ड बनेगा, यानी जो तीसरा इमेज बनता है ना वो तब बनेगा जब इन दोनों के बीच में अगर कहीं इमेज बनता है तब जाके थर्ड इमेज भी बनता है, पर इस केस में पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि लेंस का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से कम है। कई बार हो सकता है कि एफ वन एफ टू भी दिया रहे ये भी एफ वन से कम है, तो अगर ये डी डिस्टेंस दूर है मान लो एफ वन है और ये एफ टू है, इसके साथ हमने सेम सेम लिया 2020 कल को अलग भी दे सकते हैं, तो अगर मान लो डी लेस देन एफ वन होता दैट मींस देयर विल बी ओनली टू इमेजेस। देयर विल ओनली टू इमेजेस दैट विल बी पॉसिबल। और क्या? ठीक है, और क्या है ना, अगर मान लो d greater than f1 in that case three images are also possible, लेकिन हमेशा नहीं बन पाएगा। तो जैसे इस केस में तो दो इमेज बनेगा, कहां बनेगा वो अपने आप कैलकुलेट कर लेना है ना, वो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वगैरह दिया रहेगा तो उस हिसाब से अगर इमेज डिस्टेंस वगैरह सब अपने आप कैलकुलेट करना दैट्स ओके। अब मैं इस डिस्टेंस को चेंज कर रहा, सपोज मैं कहता हूं 40 सेंटीमीटर गैप है इसके बीच, ठीक है, इनके बीच का जो गैप है वो है 40 सेंटीमीटर, ओके। अब एक काम करो, ये x है सपोज, x इज मैग्नीट्यूड बाय द वे, ठीक है, x मैग्नीट्यूड है, तो फाइंड आउट रेंज ऑफ x, फाइंड रेंज ऑफ x for 3 images. चलो अब जल्दी करो, अब क्वेश्चन है कि क्या रेंज होगा एक्स का जिससे कि 3 images पॉसिबल हो रहे। इस बार मैंने बाई चांस दोनों का फोकल लेंथ सेम दिया है, फिर भी मैं F2 लिख रहा हूं, बट दैट्स मोर ऑफ अ कांसेप्ट कि कल को सकता अलग भी तो फोकल लेंथ हो सकता है, आई कैन नॉट से कि नहीं फोकल लेंथ को सेम ही होना पड़ेगा, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। इसलिए एक्स का वैल्यू निकालो सो दैट नाउ देयर आर 3 images. So find out the range of x. Question is find out the range of x. Range of x for 3 images. चलो जल्दी करो। भाई x का क्या range होगा जिससे कि 3 images बने? देखो तो इसका थिंकिंग क्या होगा? थिंकिंग ये हो जाएगा कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तब तो 3 इमेज बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो मान लो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे कर देते, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी होगा इन दैट केस क्या होगा ना, इमेज तो बनेगा 20 पे, फिर अब तो 3 इमेज बन जाएंगे, तो यानी हमें वो डिस्टेंस निकालना है ये वाला, so that the object is from here actually, तो उसके ठीक पहले, तो वो अपने आप देख रहे हैं, तो यानी हमें image distance को 40 put करना है, यानी 1 upon 40 minus 1 upon u, पहले u निकाल लेते हैं उससे x आ जाएगा, है ना, तो 1 upon u is equal to 1 by 20, तो therefore 1 by u is equal to 1 by 40 minus 1 by 20, ये 40 आ गया, ठीक है, अच्छा इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो 20 का डबल होता है 40, तेरी 40 होगा, है ना, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, समझ चलो कोई कैलकुलेट कर ही लिया, है ना, माइनस 1 बाय 40 यानी यू इक्वल टू माइनस 1, ये तो बाय चांस कोइंसिडेंट वाला है तो इसलिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, तो कैलकुलेट करने लगा तो इसलिए आंसर तो आएगा माइनस 40।
यानी यहां तक होगा, यानी पूरा इंफिनिटी से लेके ना x इक्वल टू 40 से लेके इंफिनिटी। और अगर कोऑर्डिनेट जानना चाहते हो इसको अगर ओरिजिन मान लो, ये y एक्सिस है सपोज और ये x एक्सिस, तो अगर x कोऑर्डिनेट जानना चाहते हो तो दैट केस क्या होगा, नेक्स्ट विल बी है ना ग्रेटर देन इंफिनिटी लेस देन और इक्वल टू 40। ये रेंज आ गई, बट मे इक्वल टू अवॉइड कर लो, क्योंकि इक्वल टू पे तो यहां पे अलग नहीं है, तो उसका तीन नहीं बनेंगे। अंश तुम्हारा 30 आया था, 30 का रीजन या कुछ और सोच रहे थे? 30 नहीं होगा इसमें 40 होगा, बट एक्चुअली बाय चांस 40 और 20 डेवलप ही चल रहा है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन आसान होगा। और टू इमेजेस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, लेकिन ये फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा, ये डिस्टेंस पहले वाले के फोकल लेंथ से ज्यादा होगा तो ही जाके तीन इमेजेस का पॉसिबिलिटी बनेगा, दैट्स द प्रीमिस। चलो सो नाउ अबाउट स्ट्रेट लेंथ, कैरिंग ऑन विद द थीम ऑफ इमेज कोइंसाइडिंग विद ऑब्जेक्ट, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सपोज ये लेंथ है, अगेन डी बता रहा है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये लेंस है, इस लेंस का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और मैंने यहां पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इसको कर दो 80 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया कुछ एच है, फाइंड एच सो दैट इमेज कोइंसाइड्स विद ऑब्जेक्ट। Then you find h so that final image ये प्लेन मिरर, चलो अब वेट करो सर्विस 20। ओके बेसिकली क्या ये इसलिए भी वही होगा, इंटरचेंजिंग और रिट्रेसिंग, तो अगर रिट्रेसिंग चाहता हूं तो दैट केस क्या होगा, ना फोकल लेंथ पर तो फोकल लेंथ पर रखूंगा तो दैट केस क्या होगा, पैरेलल लेंस बन जाएगा। Then obviously h will be equal to 20. ठीक है? और एक और होता है कि इस तरीके से करो कि अगर ये 80 है तो ये ऐसे हो जाए। वो सिंगल वाला एरो इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से गया, और उधर वाला एरो इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से चला, तो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। तो एक पे h इक्वल 20 आ गया, दूसरा क्या होगा, मैं इमेज डिस्टेंस को 80 करना है, यानी 1/80 माइनस 1/80 इज इक्वल टू 1/f यानी 1/20 यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/80 माइनस 1/20 यानी 80 कॉमन हो 1 माइनस 4 तो 80/3 यानी u is equal to minus 80/3 यानी h is equal to, ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा, अब मैं ये क्वेश्चन रिपीट करूंगा लेकिन थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है, इस बार
यहां पे पानी डाल देता हूं, यानी सब कुछ सेम है पर इस बार यहां पे पानी डाल दूंगा। इस बार मैंने क्या किया, एक तरफ पानी डाल दिया, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, ये जो फोकल लेंथ है ना 20 सेंटीमीटर, ये मैंने इक्वी कन्वेक्स दिया, ये इक्वी बाई कन्वेक्स है, यानी अब प्रॉब्लम आ गया, क्यों, अब मीडियम अलग हो गया, इसलिए लेंस फॉर्मूला पर अप्लाई नहीं करता है ना, लेंस फॉर्मूला को हमें मॉडिफाई करना, ठीक है ना। तो मॉडिफाई करने के पहले एक चीज और भी है कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंडेंट है। तो मैं पहले काम करता हूं, मैं फॉर्मूला दे देता हूं क्या है। तो हमने अभी तक जो फॉर्मूला डिस्कस किया है, अभी तक हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया है उसमें लेंस में पता है हमने क्या किया था, लेंस के इस तरफ का मीडियम और इस तरफ का मीडियम सेम लिया और उसके बेसिस पे हमने लेंस फॉर्मूला डिस्कस किया। अब कॉन्टेक्स्ट बदल गया, अब यही लेंस के अंदर इस तरफ मीडियम अलग है, इस तरफ मीडियम अलग है, तो फॉर्मूला भी अलग। तो मैं आज एक नया फॉर्मूला बताने वाला हूं जो कि लेंस फॉर्मूला से थोड़ा सा हटके, वो अलग बात है कि ये ज्यादा फॉर्मूला जनरलाइज्ड है, क्योंकि लेंस में तो फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि लेंस के मीडियम के इस तरह और उस तरह सेम मीडियम है, और अब जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला बताऊंगा उसमें कोई एजम्पशन नहीं, हम अलग मान के करेंगे। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या है। तो पहली बात तो फॉर्मूला है, लेट अस सी, ये म्यू वन है, ये है म्यू टू और यहां पे म्यू थ्री, यानी लेंस के दोनों तरफ इस बार अलग मीडियम है, और एज यूजुअल ये ऑब्जेक्ट है मान लो, ये यू हो गया और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है आर वन, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आर टू है, ठीक है। ऐसे में फॉर्मूला देख लो, ये फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला विद टू डिफरेंट मीडिया, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस भी आएंगे, अभी पहले थोड़ी देर बात करते हैं, पहले इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो। अब तो नया फॉर्मूला आ गया, पहले वाला फॉर्मूला क्या था, तो पहले वाले फॉर्मूला भी यही वाला फॉर्मूला था, विद म्यू टू सॉरी विद म्यू वन इज इक्वल टू म्यू थ्री। अब जरा सोचो, अगर मैं म्यू वन के जगह म्यू थ्री की जगह म्यू वन लिखूंगा तो क्या होगा, म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। यानी लेंस फॉर्मूला इज एक्चुअली स्पेशल केस वेयर म्यू वन एंड म्यू थ्री आर इक्वल, ये चीज। तो देयरफॉर लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो हमने यूज किया था वाज अ स्पेशल केस वेयर
where the lens makers formula was a special case where mu 3 is equal to mu 1. So if mu 3 ko mu 1 likh do to kya hoga? Main ye jagah mu 1 by b minus mu 1 by to wo mu 1 idhar aa jata. Common leke idhar aa jata. Aur idhar mu 2 minus mu 1 ye bhi mu 2 minus mu 1 to mu 2 minus mu 1 bhi common aa gaya. Aur mu 1 niche aa gaya. Aur bracket mein aa gaya 1 by r1 minus 1 by r2. Then wahi to ban gaya. तो इसलिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसी का स्पेशल केस था, बल्कि मैं कहता हूं कि ये ज्यादा अच्छा फॉर्मूला और ये ज्यादा जनरलाइज्ड फॉर्मूला, पर इसका यूटिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि लेंस के अक्रॉस दो अलग अलग मीडियम के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, है ना। एक ही लेंस के अक्रॉस इधर अलग मीडियम इधर अलग मीडियम ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, तो देयरफॉर इतना बड़ा फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ता। हमारे क्वेश्चन जो है ना लेंस मेकर्स फॉर्मूला से ही सॉल्व होता है, बट इस बात का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो गो अहेड, फाइंड आउट द आंसर, जल्दी करो। I'm just coming in a minute. सही कह रहे हो। अच्छा, तो R1 हम कैसे निकालेंगे? ना क्योंकि इक्विबाइकन्वेक्स लिखा तो अभी फिलहाल R से काम चला रहा है, है ना? तो R minus mu2 minus mu3, तो यानी 3 by 2 minus 4 by 3 upon mu3, mu3 मतलब हो गया ऐसा रहेगा, R R2 हो गया इस बार minus R, क्यों? क्योंकि ये R होगा पॉजिटिव, ये वाला R नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस आ गया। यदि आर को मैं जस्ट रेडियस से एक वैल्यू मानूं तो ये आ गया आंसर। तो अब आर कैसे होगा? तो आर के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है तो इन दैट केस क्या होगा? ना 1 by f is equal to mu 2 minus mu 1 अब mu 1 into 1 by r minus 1 by minus ये 1 by 2 into 2 by r is equal to तेरे f is equal to r, तेरे focal length क्या दे रहा है? 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 हो। In fact इस चीज को याद कर लो कि अगर इक्वी बाइकन्वेक्स लेंस है, इसको याद कर लो कि इक्वी बाइकन्वेक्स लेंस है और अगर ग्लास का बना है ना, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना दोनों तरफ का, दोनों f होता है f के बराबर, पर इक्वी बाइकन्वेक्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक का ज्यादा कर्व है, एक पूरा फ्लैट है या फ्लैटिश काइंड ऑफ कर्व है, वो नहीं चलेगा ऑब्वियसली, है ना। अगर इक्वी बाइकन्वेक्स लेंस है और अगर एयर में रखा हुआ, तो जो फोकल लेंथ होता है वही इंडिविजुअल रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है, यानी 20 हो गया। तो चलो अच्छा ही हुआ, ये 20 हो गया, ये माइनस 20 हो गया, ठीक है, ये तो खत्म है। यानी माइनस में नहीं, 1 बाय h, 1 बाय h इज इक्वल टू 3 बाय 2 माइनस 1 हाफ, 1 बाय 40, ठीक है, 1 बाय 40, 3 बाय 2 यानी 9 माइनस 8, 1 बाय 6, 1 बाय 120, यानी आ गया 43 प्लस 1, 4 बाय 120, यानी h इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। देखिए यानी हाइट कितना गया, 30 सेंटीमीटर। नाउ सोम हैज आस्क्ड कि क्या हाफ लेंथ का अलग फोकल लेंथ और दूसरे हाफ का अलग फोकल लेंथ होगा तो क्या होगा? ना सोम बड़े एक सुनो सुनो सो अगर इक्वी बाइकन्वेक्स लेंस है तो इन दैट केस अगर बीच में से कट करोगे तो इन दैट केस दोनों तरफ का फोकल लेंथ सेम होगा, है ना। और अगर इक्वी बाइकन्वेक्स नहीं हुआ, समझ लो इक्वी बाइकन्वेक्स नहीं हुआ, तो फिर 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 इज इक्वल टू उसका कंबाइंड फोकल लेंथ होगा, फिर तो कुछ कहना मुश्किल, दैट इज रियली गुड टू से, है ना। दैट यू विल टेक इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, तो एक आंसर तो आ गया h इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब दूसरा आंसर क्या होगा? तो दूसरे आंसर में मुझे 80 बाय 3 करना है, सॉरी 80 करना है प्लस 8, यानी इमेज डिस्टेंस को फाइनल इमेज डिस्टेंस को 80 करना है, यानी μ3 बाय v, यानी μ3 बोलते μ3 बोलते 4 बाय 3, यानी क्या होगा, बस एक चेंज करेंगे 4 बाय 3 होता है, बस एक ये चेंज आएगा और कुछ नहीं। तो ये माइनस माइनस h हो गया, तो 1 बाय h, 1 बाय 40 का एज इट इज है, कोई चेंज नहीं, देखो और तो कोई चेंज होगा ही, वो μ2 माइनस μ1 बाय r1 और μ2 माइनस μ3 बाय r2 माइनस वाला सब कुछ आ गया, और ये 4 बाय 3 यानी 1 बाय 40 है ना, तो 4 से नहीं सॉरी 20 1 बाय 60 सॉरी 1 बाय 60 ये 1 बाय 60 उधर जाएगा तो माइनस 1 बाय 60 होगा,
ये नहीं होगा बिकॉज आएगा माइनस 1/60 तो थोड़ा कैलकुलेशन बदल जाएगा एक तो आ चुका 30 सेंटीमीटर ठीक है ना एक आंसर आ चुका और दूसरा आंसर निकाल तो दूसरा आंसर क्या होगा फिर 1/h इज इक्वल टू 120 तो अभी भी कॉमन है 120 कॉमन है तो 3 + 1 - 2 देन 60 सेंटीमीटर आ इधर आ गया इक्वल टू 60 सेंटीमीटर ठीक है एच 60 आ गया बस आपका आंसर आ ठीक है आई होप फॉर गेटिंग इट तो यानी अब दो केसेस आ गए अगर तुमको इमेज को कोइंसाइड कराना है तो पहला तो आ गया पैरेलल रेज तो पैरेलल रेज का आंसर कितना आ गया नहीं 30 सेंटीमीटर और दूसरा वाला हो गया कि अगर मैं यहां पे इमेज को कोइंसाइड कराता हूं तो दैट केस रेज इंटरचेंज होकर फिर से इमेज के साथ कोइंसाइड करेंगे तो रिट्रेसिंग वाला 30 सेंटीमीटर और इंटरचेंजिंग वाला 60 सेंटीमीटर ठीक है अच्छा अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है And that is, दोनों साइड का फोकल लेंथ का रेशियो जैसे सपोज ये रेडियस होता है 40 सेंटीमीटर ये होता है 30 सेंटीमीटर इसका ग्लास है 3/2 इसका 4/3 और इसका जो है सपोज नहीं इसका 3/2 ले लो इसका 4/3 इसका सपोज 5/2 ठीक है तुमको निकालना है फोकल लेंथ फॉर रेज कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड फोकल लेंथ फॉर रेज कमिंग फ्रॉम दिस साइड यानी इधर से जो रेज आ रहा है उसके लिए फोकल लेंथ f1 लिख रहा हूं और उधर से जो रेज आ रहा है उसके लिए जो फोकल लेंथ है वो f2 है तो क्वेश्चन इज फाइंड f1 स्क्वायर ठीक है गो अहेड फाइंड आउट द रेशियो ऑफ f1:f2 क्रिश हाउ डिड वी फाइंड आउट आर नहीं आर के लिए तो मैंने बताया था ना कि वो फोकल लेंथ 20 आया था ना तो जितना फोकल लेंथ होता है उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा अगर ग्लास है और अगर इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो हमने भी प्रूव किया था 3/2 माइनस दिस आर यार तो देखो फोकल लेंथ तो आर इज 20 सेंटीमीटर तो 20 निकाल लिया था उसके बाद प्लस माइनस पुट करते जाओ अपना जैसे जरूरत है यू कैन गेट इट कृष्ण आस्क की आपने क्या फिर वो आर निकालने में लेंथ वेगस फार्मूला यूज किया हां हमने आर निकालने के लिए लेंथ वेगस फार्मूला यूज किया उसकी वजह रीजन है क्यों क्योंकि क्वेश्चन में याद करके देखो पहले दिया क्या गया ना एक फोकल लेंथ ऑफ लेंस है 20 सेंटीमीटर और उसको रखा मैंने फिर इमेज को इनसाइड करा मिरर के साथ फिर हमने नीचे पानी डाला तो ओरिजिनल जो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया था उसके हेल्प से हमने क्या किया रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड का निकाल दिया और उसके बाद तो क्वेश्चन आसान था उसके बाद चल ठीक है अब निकालो f1:f2 यानी अगर इधर से रेज आ रहा है तो उसके लिए क्या फोकल लेंथ होता है अगर उधर से रेज आ रहा है तो उसके लिए क्या फोकल लेंथ होगा ठीक है गो अहेड एंड फाइंड आउट द रेशियो द आंसर इज ऑलरेडी गॉट इट एंड दैट इज 15:8 अभी मैं देखता हूं Okay, answer is going a quick answer, and that is 15:8. चलो अब शुरू करते हैं. देखो formula क्या है? Formula है μ3/μ-μ1/u. फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट क्या है
फोकल लेंथ का कांसेप्ट होता है, अगर इंफिनिटी से पैरेलल रेज आता है तो जहां पे वो कोइंसाइड करेंगे या जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे या मीट करेंगे वो फोकल लेंथ हो गया, या तो अगर डाइवर्ज कर रहा है तो जहां से लग रहा है कि वो मतलब डाइवर्ज कर रहा है वो हो गया फोकल पॉइंट, और उसके सेंटर ऑफ द लेंथ से डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ कहां से कैलकुलेट होगा? सेंटर ऑफ द लेंथ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। दो थिंग्स वी नो। तो इसलिए काम करो पैरेलल कैसे रेज पैरेलल कर दो, ये फोकल लेंथ यहां नहीं होगा, उधर नहीं भी हो सकता, हो सकता है कि रेज डाइवर्ज कर रहा हो, अभी फिलहाल नहीं पता, और शेप देख के लेंस का कुछ मत डिसाइड करो। अगर याद होगा लास्ट क्लास में हमने किया था कि लेंस के फोकल लेंथ से डिसाइड होता है कॉनकेव और कन्वेक्स, ना कि लेंस के शेप से डिसाइड होता है। कई बार देखा गया कि ऐसे बल्जिंग वाला शेप का लेंस कॉनकेव की तरह बिहेव करता है, हमने एक क्वेश्चन अगर याद होगा हमने किया भी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार इस बार क्या हो गया, म्यू थ्री बाय वी, तो इस बार जो म्यू थ्री बाय वी है ना वही समझ लो फोकल लेंथ, तो एफ वन हो गया। तो म्यू थ्री मतलब 4/3, 4/3 एफ वन, मैं इसको फोकल लेंथ एफ वन मानता हूं, इज इक्वल टू माइनस म्यू वन बाय यू, तो ये तो जीरो हो गया, चलो छोड़ो इंफिनिटी, तो यू तो इंफिनिटी है तो इसके जीरो का खत्म हो गया, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, यानी 3/2 माइनस 5/2 अपॉन आर वन, आर वन को तो क्या है 40, माइनस म्यू टू माइनस म्यू थ्री, यानी 3/2 माइनस 4/3 अपॉन आर टू, आर टू बोलते माइनस 3, यानी 4/3 अपॉन is equal to 6 minus 10, 3/2 minus 5/3, तो 1 हो गया, minus 1, तो minus 1 by 4, 9 minus 8, 1, 1 by 3, 1 by 90, यानी plus 1 by 90, is equal to, है ना, 360, तो minus 9, plus 4, यानी minus 5 by 360, यानी equal to 5, तो 6, 7, 72 minus 1 by 70, then F1 आ गया equal to minus of 72 into है ना 4/3, yeah इस वाले फोकल लेंथ निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 72 into 24, तो माइनस करेंगे माइनस 96 सेंटीमीटर, ये हो गया F1। अब F2 कैसे आएगा, आप इधर से ले जाएंगे पहले, तो वो इधर कहीं जाएंगे पता नहीं कहां जाएंगे, तो अगर F2 निकालना है हमने मान लिया F2 इधर ही कहीं, तो हम ये मान के चलेंगे म्यू 3, म्यू 3 मतलब 5/2, 5/2 F2 माइनस म्यू 1 बाय यू, चलो ठीक है म्यू 1 बाय इंफिनिटी का पता लग गया, इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1, यानी 3/2 माइनस 4/3 अपॉन आर 1, R1 इस बार होगा प्लस 30 माइनस म्यू 2 यानी 3/2 माइनस 5/2 अपॉन R1, R1 बोलते हो इस बार माइनस 4 है ना, दैट इज द पॉइंट। अच्छा एक चीज जरा देखो, ये वाला एक्सप्रेशन देखो 3/2 माइनस 5/2 बाय 4, तो यहां पे देखो 3/2 माइनस 5/2 अपॉन माइनस 4 किया, पर ये माइनस है इधर एक माइनस है तो ये प्लस था तो ये भी प्लस ही है। अच्छा और इसका देखो 3/2 माइनस 4/3 अपॉन माइनस 30, तो 3/2 माइनस 4/3 अपॉन 30, ये माइनस माइनस प्लस तो ये तो होगा, यानी ये राइट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड में एक्चुअली कोई अंतर ही नहीं, ठीक है ना, इसको याद रखना, यानी राइट हैंड साइड में इधर से देखो या उधर से देखो तो वो जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है उसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी एफ में क्यों अंतर आ रहा है, क्योंकि ये 5/2 F2 है और ये 4/3 F1 है, इसी इसी वजह से अंतर है ना, इसलिए राइट हैंड साइड का तो वही आएगा। बट चलो ठीक है, अगर मान लो तुम इंटरेस्टेड हो कि नहीं मुझे तो फोकल लेंथ भी निकाल के दिखाओ, चलो वो हम निकालेंगे, वैसे तो रेशियो भी निकाल सकते थे, ये तो यही आ गया, ये सब सॉल्व सॉल्व करके तो आ रहा है, यानी माइनस 1 बाय 7 देखो, ठीक है, तो देखो F2 कितना आ गया, F2 आ गया माइनस 72 इनटू माइनस 72 इनटू 5/2
36 is minus 180. Yani F2 is equal to ठीक है, बट बाय द वे क्या हो रहा है ना, देखो ये जो 4 by 3 f1 ना, ये जो एक्सप्रेशन दे रहा है 4 by 3 f1 और इधर 5 by 2 f2, ये जो एक्सप्रेशन देंगे वो बराबर है, तो देखो यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन विद द रेशियो, यानी 4 by 3 f1 इक्वल टू 5 by 2 f2 और हमसे पूछा जा रहा है f1 और f2 का रेशियो, तो देयरफॉर f1 और f2 F2 is equal to 8 by 15. That's it. F1 by F2 कितना आ गया ना 8 by 15. अंश तुम्हारे साथ उल्टा है क्या? मेरा उल्टा है. वो चेक कर ले. ठीक है? तो 4 by 3 F1 is equal to 5 by 2 F2. देख लेते. चलो मैं समझ गया, वो तुमने उल्टा उसका पर, चलो ठीक, इट्स ओके, समझ गया ठीक. यानी f1 / f2 का रेशियो क्या है, एक्चुअली मैंने बोला था कि यहां से जो इमेज आ रहा है उसके वजह से जो फोकल लेंथ है वो निकल और उधर से जो इमेज आ रहा है, सॉरी रेज आ रहा है, यानी फोकल लेंथ के लिए क्या होता है ना, रेज इंफिनिटी से आनी चाहिए, तो रेज जब इंफिनिटी पे आता है तब या तो वो कन्वर्ज करे या तो लगता है कि डाइवर्ज करे, तो वो होता है कांसेप्ट ऑफ फोकस, और फोकल लेंथ भी अकॉर्डिंगली हम लोग उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना. चलो यानी एक कंक्लूजन मिल रहा है इज दैट कि अगर तुम लेंस में मीडियम बदल दो, इन दैट केस फोकल लेंथ सेम होगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर मीडियम सेम होता है, ध्यान रखना, अगर मीडियम सेम होगा इन दैट केस इधर से देखो या उधर से देखो, भले ही इक्वी बाई कन्वेक्स ना हो, भले ही इक्वी बाई कन्वेक्स ना हो, अगर एक लेंस होता है विद मीडियम सेम ऑन बोथ साइड्स तब फोकल लेंथ सेम आ, ये भी ध्यान रखना, मतलब इस रेशियो देख के माइंड डिस्टॉर्टेड नहीं होना चाहिए. हाउएवर रिमेंबर दैट फॉर एनी लेंस ठीक, यानी अगर दोनों तरफ मीडियम सेम होगा तब क्या होगा, फोकल लेंथ दोनों का सेम है, ठीक है. ठीक, दैट इज द कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रॉ. ठीक है, एक्चुअली क्या ना, आज हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे क्योंकि एक्चुअली ना मेरा बैक टू बैक क्लास लगा हुआ है, तो 12 बजे एक्चुअली की दूसरा क्लास भी स्टार्ट हो रहा है, वो ऑफलाइन है. और जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि नेक्स्ट वीक से शायद तुम लोगों का ट्यूसडे और थर्सडे शायद ऑफलाइन होगा, फुल्ली ऑफलाइन अभी, और बाकी डेज जैसे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, वैसे ऑनलाइन ही हो गया, अब तो वो ऑनलाइन ही चलेगा, तो लाइक दैट्स द न्यूज प्रोबेबली दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो यू विल बी ऑफ कोर्स इन्फॉर्मड अबाउट दैट, तो होपफुली
क्लास के अंदर बेटर डिस्कशन होता है तो तुम लोगों ने भी देखा ही होगा, बट चलो ठीक है, एटलीस्ट लेट्स फिनिश द सिलेबस एज वेल एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है ना। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज जैसे अभी थोड़ा सा मेरे एक और क्लास भी है एकदम बैक टू बैक, ठीक है ना। चलो वी विल वाइंड अप टुडे हियर ओनली, ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय। ये अगले क्लास में इसको हम लोग इसका डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चलो ओके बेटे, थैंक यू, हैव अ गुड डे।